ऑपरेशन क्लीन के तहत पीडीए ने माफिया अतीक अहमद के शार्प शूटर और हिस्ट्री शीटर अजय कुमार उर्फ नन्हा पाल के दो मंजिला आलीशान मकान जमीन दोज कर दिया। नन्हा पाल ने अपना मकान अवैध तरीके से बनाया था, जिस पर कार्रवाई कर पीडीए ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। हिस्ट्री शीटर नन्हा पाल ने अपना मकान ने पिपरी में बिना परमिशन के 800 वर्ग गज में बनाया था। माफिया अतीक अहमद गैंग से जुड़ने के बाद इसने कई वारदातों को अंजाम देकर प्रॉपर्टी बनाई। इसके दो भाई पहले ही पुलिस इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है, पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयां की जाए, जिसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज 45वीं कार्रवाई की जा रही है। कुख्यात अपराधी नन्हे पाल उर्फ अजय का अवैध निर्माण है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्ग गज में दो फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया गया था। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा आज भारी पुलिस बल और प्रशासन के सहयोग से इसको पूरा डिमोलिश करवा रहे हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी। किन किन थानों में इस अपराधी के खिलाफ ये थाना पिपरी में, थाना धूमनगंज में, अनेक थानों में अनेक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य भी है अपराधी, और अतीक अहमद का प्लॉटिंग का अवैध प्लॉटिंग कार्य में भी सहयोग करता है। अपराध की सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये प्रधान बना था। इसके ऊपर पिपरी समेत कई थानों में हत्या, लूट, रंगदारी के तमाम मुकदमे दर्ज है। अभी हाल ही में धूमनगंज में दुल्हन के अपहरण में भी इसके गुर्गों का नाम आया था। इलाके में इसका खौफ इतना है कि कोई भी इसके खिलाफ जाने की नहीं सोचता। विकास प्राधिकरण ने गोपनीय जाँच के बाद आज इसके निर्माण पर कार्यवाही की है। न्यूज डेस्क।